गाइस मैं रेडी हूँ, जा रहा हूँ नेहरू प्लेस अपना ड्रीम पीसी बिल्ड करने के लिए। मैंने सारी रिसर्च पूरी कर ली है, सारे कंपोनेंट्स डिसाइड कर लिए हैं, अभी मैं रेडी हूँ। और मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, उसके साथ मैं नेहरू प्लेस जा रहा हूँ और वहाँ पर जाकर रेट्स कंपेरिजन करके जहाँ पर मुझे बेस्ट लगेगा वहाँ से मैं पीसी परचेज करूँगा। और उसके बाद मैं खुद ही पीसी कंपोनेंट्स को असेंबल करूँगा और उसकी कंप्लीट वीडियो आप सभी को पहुँचाऊँगा। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूं नेहरू प्लेस। यहां पर मैंने कई शॉप्स पर विजिट किया है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की प्राइजेस ली हैं कंपेयर करने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है कि यहां पर जो भी जनरली जो भी शॉपकीपर प्राइजेस बताते हैं वो विदाउट जीएसटी बताते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 18% जीएसटी लगता है, तो कोई भी अगर 10,000 की कोई चीज़ है तो वो आपको पड़ेगी 11,800 की, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ना काफ़ी हमारा बजट डिसबैलेंस हो जाता है। तो आप जब भी जाएं तो विद जीएसटी आपको प्राइस पूछना है ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइनली मॉडेक्स कंप्यूटर से मैंने ये कंपोनेंट्स बाय किए हैं, इनकी टोटल प्राइसिंग है 90,000। एक एक करके मैं सभी की अनबॉक्सिंग करूंगा और सभी के प्राइजेस व इनको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा ये बताऊँगा। फ्रेंड्स ये मेरा भी फर्स्ट पीसी बिल्ट है, लेकिन हाँ मुझे नॉलेज है पीसी बिल्ड की, मैंने कई यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं और कंप्यूटर कंपोनेंट्स की अच्छी नॉलेज मैं रखता हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम फर्स्ट पीसी बिल्ड में मुझे आई है, हो सकता है कि आप जब भी पीसी बिल्ड करो तो आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चल सके। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमने मदरबोर्ड लिया है। मदरबोर्ड को ये अनबॉक्स करने के बाद आप ठीक उसी के बॉक्स पर इसको प्लेस करके और फिर उस पर सभी कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करना। जैसे मैंने यहाँ पर ये मदरबोर्ड के बॉक्स पर रख दिया है मदरबोर्ड को। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे प्रोसेसर, इसलिए ये प्रोसेसर के सॉकेट को मैंने ओपन कर लिया है। ये मदरबोर्ड है MSI का मैग B660M मोटर वाईफाई DDR4। इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 17,000 है। ये मदरबोर्ड LGA1700 सॉकेट पर बेस्ड है, तो ये कैपेबल है 12th, 13th एंड 14th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर्स को चलाने के लिए। अपने इस बिल्ड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेल कोर i5-13500 प्रोसेसर जो IGPU के साथ आता है। इसकी कॉस्ट है अराउंड 22,500। ये प्रोसेसर कैपेबल है हाई एंड गेम्स को प्ले करने के लिए और साथ में अगर आपको एडिटिंग करनी है तो 2K तक की एडिटिंग तो बहुत इजीली करा देगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। इस प्रोसेसर के साथ स्टॉप कूलर मिलता है, मैं अभी अपने बिल्ड में इसी स्टॉप कूलर को यूज करूंगा, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी जरूरत लगी मुझे तो मैं AK400 एयर कूलर अपने पीसी में इंस्टॉल कर लूँगा, लेकिन फिलहाल अपने बिल्ट में मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ स्टॉक कूलर को। ध्यान रखना है स्टॉक कूलर के पीछे ये जो थर्मल पेस्ट लगा हुआ है इसको आप टच नहीं कर देना अनबॉक्सिंग के दौरान। अगर ये थर्मल पेस्ट आपने टच कर दिया तो ये थर्मल पेस्ट यहाँ से हट जाएगा और प्रोसेसर से जो है हीट जो है डिसिपेट होने में दिक्कत आएगी, तो हीटिंग का इशू बन सकता है। प्रोसेसर को इंस्टॉल करना बहुत आसान है। अनबॉक्स करने के बाद आप प्रोसेसर पर देखना, एक कॉर्नर पर एक ट्रायंगल बना होगा, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें एक कॉर्नर पर ट्रायंगल बना होगा, बस ऐसा ही एक ट्रायंगल आपको ना बोर्ड पर दिखाई देगा, यानी कि मदरबोर्ड पर जो CPU का सॉकेट है उसमें आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, बस उसी ट्रायंगल से इसकी डायरेक्शन मैच करनी है और एज इट इज इसको प्लेस कर देना है। वैसे अगर आप बाय चांस गलत भी प्लेस करेंगे तो गलत ये प्लेस होगा नहीं, ठीक है, बस आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इजीली ये प्लेस हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको इस सॉकेट को बंद करना है।
सॉकेट को बंद करते समय ये जो प्लास्टिक का फ्लैप है ये अपने आप ही हट जाएगा इसमें से, आपको अलग से रिमूव नहीं करना है। जैसे अभी हट गया है, और अब आपको ये लीवर को प्लेस करना है। लीवर को प्लेस करते समय थोड़ा आपको हार्डली पुश करना होगा। अगर आप इसको पुश करने जाएंगे तो, जैसे मैं पुश कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लगा दिया है, बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा इसमें जोर लगाना ही पड़ता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको हार्डली पुश करना, ये प्लेस हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो स्टॉक कूलर मिला है उसको माउंट कर देंगे। स्टॉक कूलर को माउंट करना भी बहुत आसान है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टॉक कूलर पर चार पिन दी हुई हैं, ये पुश पिन है, बस इनको पुश करना है। और मदरबोर्ड में भी इनके चार सॉकेट आपको दिख रहे होंगे, बस इन्हीं चार पिन को उन सॉकेट से मैच करते हुए और आपको पुश कर देना है, और ये इजीली प्लेस हो जाएगा इसमें। और थर्मल पेस्ट लगा हुआ है, और उससे जो है सीपीयू का कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट होने की वजह से थर्मल पेस्ट जो है, जो सीपीयू की हीट होती है उसको डिसिपेट कर देता है। स्टॉक कूलर को पावर देने के लिए स्टॉक कूलर के जो पिन है इनको आप सीपीयू फैन की, आपको सॉकेट मिल जाएंगे, बोर्ड पर लिखा होगा वहां पर सीपीयू फैन, उसमें इसको फिक्स कर देना, लगा देना इस तरह से। अपने सिस्टम के लिए मैंने 16 GB रैम ली है, 8 8 GB की दो स्टिक ली हैं, और ये हैं जी स्किल रिपजॉ की तरफ से 3200 MHz DDR4 रैम स्टिक हैं ये। एक की कीमत है 1870, तो लगभग 3600 3700 की ये दो स्टिक मुझे पड़ी है। रैम इंस्टॉल करते समय ध्यान रखना, अगर आपके पास दो स्टिक हैं तो दो स्टिक को आप फर्स्ट सेकंड में ना यूज करें, आप फर्स्ट थर्ड में यूज करें या फिर सेकंड और फोर्थ स्लॉट में यूज करें। मदरबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे जैसे चार रैम स्लॉट हैं, जनरली ज्यादातर मदरबोर्ड में चार रैम स्लॉट होते हैं, तो उनमें अगर हमें दो रैम स्टिक का यूज करना है तो वो फर्स्ट थर्ड या फिर सेकेंड फोर्थ होना चाहिए। अब मैं अपने बोर्ड में यहाँ सेकेंड और फोर्थ का यूज करूंगा। रैम इंस्टॉल करने के लिए आप लॉक ओपन कर लेना इस तरह से। जनरली दोनों साइड लॉक होता है, दोनों तरफ के लॉक को ओपन करना होता है, लेकिन मेरे इस मदरबोर्ड में एक ही साइड लॉक था, तो मैंने एक ही साइड से लॉक ओपन किया है। और जो कट होता है रैम में बीच में, उसको बोर्ड पर जो स्लॉट है उससे मैच करते हुए आप प्लेस करके और उसे पुश कर देना। एक क्लिक की आवाज़ आएगी, और वो क्लिक की आवाज़ आएगी जैसे ही वो लॉक भी बंद हो जाएगा, आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, लॉक भी अपने आप बंद हो जाता है। और लॉक बंद हो जाता है तो समझ लेना कि आपकी रैम जो है इंस्टॉल हो चुकी है। इसी तरह से मैं यहाँ दूसरी रैम भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं अपने पीसी बिल्ड में अभी यूज कर रहा हूँ एडाटा XPG की तरफ से आने वाली गेमिक्स S70 ब्लेड 512 GB की NVMe। ये काफी फास्ट NVMe है, जेन 4 NVMe है ये। इसकी रीड राइट स्पीड जो है काफी तेज होती है। इसकी प्राइस लगभग 4000 रुपीज है।
बोर्ड पर NVMe का स्लॉट अलग दिया होता है, उसको आप पहले ओपन कर लेना। NVMe के साथ एक हीट सिंक मिली है। सबसे पहले आप इस हीट सिंक को NVMe से जो है स्टिक कर लेना, अलग से ग्लू वगैरह मत लगाना। स्टिक करने के लिए इस पर ऑलरेडी ग्लू लगा होता है। हीट सिंक को लगाने के लिए हीट सिंक पर लगी हुई है पहले जो पॉलीथिन टाइप है इसको रिमूव कर लेना। अब इसको आप जो M.2 NVMe है इससे मैच करते हुए स्टिक कर लेना। मैच करने के लिए आपको कुछ नहीं है, बस ये जो सेमी सर्कल सा जो कट है इसको मैच कर लेना। इसको मैच करते हुए इसको स्टिक कर देना, दूसरी साइड स्टिक नहीं कर देना। वहाँ पर वैसे भी एक वारंटी का स्टिकर लगा हुआ है तो उसके ऊपर नहीं स्टिक करना है, इसको इसी साइड स्टिक करना है। हीट सिंक लगने के बाद M.2 को आप इजीली उसके सॉकेट में प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद वो स्क्रू की जो जगह है वहाँ पर स्क्रू टाइट कर देना। और यहाँ पर मदरबोर्ड में भी एक हीट सिंक दी हुई है और उसी तरह से यहाँ से भी आपको प्लास्टिक को रिमूव कर लेना है और फिर उसको प्रॉपरली इसके ऊपर प्लेस करके स्क्रू से टाइट कर देना है। प्रोसेसर, रैम और M.2 को मदरबोर्ड पर इंस्टॉल करने के बाद अब इस मदरबोर्ड को मैं जो कैबिनेट है लिया है मैंने उसमें इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। और अपने पीसी बिल्ड के लिए मैंने कैबिनेट लिया है गैलेक्स का रिवॉल्यूशन 1, ये मुझे लगभग 4550 रुपये का पड़ा है। निकालो, देखो पापा, देखो पापा।
को खोल कर। अंडर 5000 ये रिवॉल्यूशन 1 गैलेक्स की तरफ से आने वाला केस बहुत ही अच्छा केस है। 5000 के अंडर अगर आपको केस लेना है तो ये बहुत ही अच्छा केस रहेगा। मैंने अपने मदरबोर्ड को इस केस में प्लेस कर दिया है। अब बात बारी आती है पावर सप्लाई देने की, तो कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 650 वॉट का SMPS, ये 80+ ब्रॉन्ज मैंने लिया है अपने बिल्ट के लिए, ये मुझे लगभग 5500 का मिला है। तो चलिए अब इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ इसमें। सो फाइनली मेरा पीसी बिल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सारे कंपोनेंट मैं असेंबल कर चुका हूँ। अब लास्ट में असेंबल करने जा रहा हूँ ग्राफिक्स कार्ड। अपने बिल्ड के लिए अपने बिल्ड का सबसे महंगा कंपोनेंट है मेरा ग्राफिक्स कार्ड। ये है Zotac का RTX 4060 ट्विन एज 8GB का। ये इसकी कीमत है ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 30,000 और बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड है और गेमिंग के लिए साथ साथ एडिटिंग के लिए ये i5 13 जनरेशन से परफेक्टली मैच करता है जो प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ 13500।
सो गाइस कंप्लीट हो गया अपना पीसी बिल्ड। अब टर्न ऑन किया आपने, विंडोज इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, तो बताइए कैसा लग रहा है लुक इसका, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। बस ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं अब ग्राफिक कार्ड के, बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है पीसी बिल्ड। Thank you.